उधर गुजरात के आणंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर वोट जिहाद और बांटने की राजनीति का भी आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा। पिंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक नए बयान पर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। अधीर रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से ये कहते हुए सुनाई दिए कि टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट दें। इस पर टीएमसी भड़क गई और उसने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। কংগ্রেস এবং বামকে জেতানো জরুরি, কংগ্রেস এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত হবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू, शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस एवं बाम के जताना जरूरी, कांग्रेस एवं बाम यदि ना जीते भारतवर्षের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত হবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময়ে সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে, আপনারাই বকুলকে সমর্থন করবে।
हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है। और वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भी चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी की अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैले संशय को खत्म करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने पर अपनी रजामंदी दे दी। तो लगातार अमेठी और रायबरेली वो सीट जहां पर सस्पेंस बरकरार था और ऐसे में अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी की ओर से ले लिया गया है। कल राहुल गांधी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे तो अमेठी पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है जहां पर उनका सामना होगा स्मृति ईरानी से। तो ये अमेठी से किसने किसने कब कब जीत दर्ज की वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं और इस बार किसके किसके बीच टक्कर है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता और इधर उनका सामना होने वाला है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। तो अमेठी में बेहद ही टफ फाइट दिखाई देगी।